दोस्तों बेहद सीजन 2 का लास्ट एपिसोड में शूट हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि बेहद का एंड हो चुका है और उसका जो कि फाइनल एपिसोड शूट हो रहा है। और स्टोरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इसका एंड किस तरीका से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर जिस तरीका का सस्पेंस दिखाया है मेकर्स ने, ये हिंट दिया कि जल्दी ही इसका तीसरा सीजन आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आने वाला है। जी हाँ, जेनिफर विगेट काम कर रही हैं जो कि सिविन नारंग के साथ में। सिविन नारंग के साथ में जेनिफर विगेट की बॉन्डिंग अच्छी खासी दिखाई गई है जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। कहीं ना कहीं फाइनल एपिसोड में आप बिल्कुल देख पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिविन नारंग को उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं बात करते हैं जेनिफर विगेट की, तो जेनिफर विगेट एक ऐसे एक्ट्रेस हैं जो कि उनका आशीष चौधरी को टक्कर देती नज़र आई बेहद सीजन 2 में। बेहद सीजन 2 हालांकि काफ़ी पॉपुलर सीजन रहा है, कहीं ना कहीं इस सीज़न में कुशल टंडन की भी याद काफ़ी आई थी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बेहद सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में जो कि फाइनल एपिसोड शूट कर लिया गया है, उसकी स्टोरी में दिखाया गया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते नजर आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। हर किसी को पता है कि एक टाइम होता है हर किसी का, लेकिन जेनिफर विगेट ने इसमें कुछ कमाल कर दिखाया और कहीं ना कहीं लोगों को इस कमाल से भी काफ़ी उम्मीद थी। आप लोगों को बता देता हूँ कि बेहद सीजन 3 आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने ये हिंट भी दिया है कि बेहद सीजन 2 का फाइनल एपिसोड करने के बाद में वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से बेहद का तीसरा पार्ट भी जल्दी ही उस पर स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाएगी। बेहद सीजन 2 में सिविन नारंग से रोमांस करती नज़र आई थी जेनिफर विगेट जो कि बाप बेटे से दोनों से टकराती नज़र आई थी, क्योंकि एमजे से टकराती नज़र आई थी। एमजे का जो किरदार निभा रहे थे वो आशीष चौधरी निभा रहे थे। वहीं पर सिविन नारंग बहुत अच्छा किरदार निभा रहे थे जो कि रुद्र का किरदार निभा रहे थे। सिविन नारंग रुद्र का किरदार जिस तरीका से निभा रहे थे, जेनिफर विगेट उनको काफ़ी पसंद करती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं जेनिफर की बॉन्डिंग भी अच्छी खासी दिखाई गई है जो कि हर किसी को अपने एक अलग ही टक्कर देती नज़र आ रही हैं। चाहे वो सिविन नारंग के साथ में काम करने वाले कलाकार आशीष चौधरी हो, चाहे खुद सिविन नारंग हो, सिविन नारंग जैसी टीम को भी पूरी टक्कर देती नज़र आ रही है। जेनिफर विगेट की बात करें तो जेनिफर विगेट ने इसमें काफ़ी हॉटनेस का तड़का लगाया है, जो कि लोगों ने इस एपिसोडों को काफ़ी पसंद भी किया है। कहीं ना कहीं सोनी टीवी का सबसे पॉपुलर और सबसे हिट शो में से गिने जाने वाला शो बन चुका है, जो कि आप लोग इस शो को काफ़ी पसंद भी कर रहे होंगे। वी होप कि ये शो सभी को पसंद आया है, क्योंकि सिविन नारंग की बॉन्डिंग की बात की जाए जेनिफर के साथ में, तो जेनिफर के साथ में उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी खासी है, जो कि लोग हमेशा से ही सिविन नारंग को एक अलग ही रूप में पसंद भी किया करते हैं। आपको बताने जा रहा हूँ कि जेनिफर विगेट सिविन नारंग जैसी टीम एक अलग ही कमाल कर दिखाया है। लेकिन अगर सीजन 3 आता है, जो कि बेहद का सीजन 3, तो ये काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि सुनने में आ रहा है जेनिफर विगेट और सिविन नारंग कुछ प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या प्लान कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर बात करें बिग बॉस 13 से भी ऑफर मिल चुका है सिविन नारंग को, जो कि जेनिफर विगेट के मना करने पर उन्होंने नहीं लिया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम के लिए, जैसे ही इतने स्क्रिप्ट लिखी जाएगी बेहद 3 की, इतने वो बिग बॉस में घूमना चाहेंगे, क्योंकि सिविन नारंग बिग बॉस के काफ़ी अच्छे फैन हैं। और कहीं ना कहीं जेनिफर विगेट अब के चाहेंगे कि सिविन नारंग एक बार फिर से बेहद के एक्टर जो कि बिग बॉस 14 में जाना चाहें। लेकिन मैं बात बता दूं कि सिविन नारंग एक ऐसे एक्टर को जो जेनिफर विगेट की कोई भी बात नहीं हर बात मानते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी मना कर लो, लेकिन जेनिफर विगेट के साथ में उनकी रियल लाइफ में दोस्ती काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी दोस्ती बरकरार है। कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है, और लोगों की दोस्ती को देखते हुए हकीकत में हर किसी को पता है कि इन कलाकारों की दोस्ती बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं जेनिफर विगेट उन्हें एट ए टाइम ऑल टाइम सपोर्ट करती नज़र आती हैं, क्योंकि जिस तरीका से बेहद सीजन 2 में एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग देखने को मिली थी,
बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, जो कि लोगों ने इस सीरियल को काफ़ी हद तक पसंद भी किया है। कहीं ना कहीं पसंद करने के पीछे की वजह भी आप लोगों को पता ही चल गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, जेनिफर विकेट थी, जो कि जेनिफर विकेट के चलते हर किसी को इस शो में एक अलग ही टीआरपी मिली थी। लोगों ने इस शो को बखूबी काफ़ी पसंद भी किया था। आने वाले कुछ टाइमों में हो सकता है कि जेनिफर विकेट और शिवे नारंग एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं कि आगे की उस फ्यूचर प्लानिंग भी कर लें, क्योंकि बेहद एक्टर जेनिफर विकेट और शिवे नारंग को एक दूसरे के साथ में, हालांकि लंच में और जैसे कि जिम में और पिकनिक जैसे टूर उन पर देखा गया है, क्योंकि इन दोनों की काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने को मिली है, जो कि ज़्यादातर नहीं मिलती। लेकिन ये दोनों एक ऐसे कपल सेक्टर हैं जो कि इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी और लोगों ने इनको शुरू से ही पसंद भी किया हुआ है, क्योंकि जेनिफर विकेट की तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि काफ़ी सुलझी हुई एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं, जो कि हमेशा अपने काम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी रहती हैं। अपने काम को लेकर उन्होंने हमेशा से ही एक दूसरे का को स्टार का पूरा ख्याल रखा था। जेनिफर विकेट की बात करें तो इन्होंने कुशल टंडन से इनका डिवोर्स हो चुका है, जो कि एक्स हस्बैंड के रूप में आज गिने जाते हैं, क्योंकि जेनिफर विकेट कहीं ना कहीं आज बिल्कुल अकेले और तन्हा थी। लेकिन उनका साथ हर्ष चोपड़ा, शिवेन नारंग, काफ़ी एक्टर्स ऐसे हैं जो कि उनका उनको काफ़ी साथ मिला। और अब शिवेन नारंग के साथ में जिस तरीका की उनकी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है। लोग इस चीज़ को नहीं बोलते कि आज भी उनकी बॉन्डिंग लाखों में एक गिनी जाती है, कि दोनों की दोस्ती भी अच्छी दिखाई जाती है। लोग इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं काफ़ी पसंद भी करते हैं। आपको बता देता हूँ कि शिवेन नारंग और जेनिफर विकेट की आने वाली कुछ केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी पसंद भी आने वाली है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग हमेशा से ही अच्छी रही है। बेहद सीजन 3 में भी इन दोनों को शायद एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि बेहद सीजन 3 के लिए भी जल्दी ही मेकर्स बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डिसाइड भी हो जाएगा कि क्या जेनिफर विकेट को लिया जाएगा और उनके साथ में शिवे नारंग के साथ में, क्योंकि जेनिफर विकेट का तो रहना तो निश्चित है कि जेनिफर विकेट तो सीजन 3 में रहेंगी। लेकिन क्या आशीष चौधरी और इधर बात करते हैं शिवे नारंग जैसी टीम भी काम करेंगे, इस पर अभी पूरा सस्पेंस बना हुआ, सस्पेंस बरकरार है। देखना ये होगा कि क्या हकीकत में शिवे नारंग और जेनिफर विकेट फिर से एक साथ नजर आएंगे बेहद सीजन 3 के सेट पर। ये काफ़ी दिलचस्प और कहीं ना कहीं रहस्य ही रह गया, लेकिन बहुत जल्दी लेटेस्ट अपडेट में ये भी साफ हो जाएगा कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अभी तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। जल्दी ही ये दोनों हर किसी को एंटरटेनमेंट करते नज़र आ पाएंगे। वहीं पे बात करते हैं जेनिफर विकेट और आशीष चौधरी की, तो इनकी भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि जिस तरीके की जेनिफर विकेट और शिवे नारंग की बॉन्डिंग है, वैसे ही आपको बता दूं कि जेनिफर विकेट के साथ में आशीष चौधरी की भी वही बॉन्डिंग। क्योंकि आशीष चौधरी की बात करें तो आशीष चौधरी एक टेलीविज़न कलाकार हैं और टेलीविज़न कलाकार भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता ही चल गया होगा कि बखूबी उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। कहीं ना कहीं लोग उनको देखने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेनिफर विकेट की एक खुद की एक पहचान है, एक इमेज है, एक छवि है, क्योंकि जेनिफर विकेट की तो लुक की तो आपको पता ही है कि जेनिफर विकेट का लुक भी एकदम शानदार और कहीं ना कहीं लोगों को उनको लुक काफ़ी पसंद भी आता है, चाहे वो किसी भी करेक्टर में हो, लोग हमेशा से ही जेनिफर विकेट को पसंद करते हैं। वहीं फैन फॉलोइंग की बात करें तो जेनिफर के साथ में शिवे नारंग की भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। जेनिफर विकेट की तो खैर एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग तो सुपर हिट है, जो कि लोग हमेशा से ही उस एक्टिंग के काफ़ी कदरदान रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ की आज तक भी काफ़ी तारीफ भी करते हैं कि जेनिफर विकेट और शिवे नारंग काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि बेहद सीजन 2 ही इनका सक्सेस हुआ सीरियल है, जो कि बेहद सीजन 2 हमेशा से ही इन दोनों कलाकारों ने और आशीष चौधरी जो कि काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, इन तीनों कलाकारों ने काफ़ी उठा दिया था। एक नई पहचान मिली है बेहद 2 के लिए, जो कि एक काफ़ी दिलचस्प पहचान है। लोगों ने इस पहचान को भी हमेशा बरकरार रखा और इनकी बॉन्डिंग का भी खास ख्याल रखा। इस बारे में आप अपनी राय बताइए कि क्या जेनिफर विकेट, जो कि आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट बेहद सीजन 3 में किसिंग सीन या फिर दोबारा एक रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे सकती हैं,
ये आप अपना कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या सिविन नारंग आशीष चौधरी के साथ में क्या ये दोबारा दे सकती हैं, और तुम्हारे फेवरेट जोड़ी किस किस अच्छी लगती है जेन्निफर के साथ में। जेन्निफर के साथ में आप अपना राय दीजिए, मैं आपकी राय अपने पास रखूँगा और आपकी मतलब